हेलो यार गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। गाइस आज ही हाल ही में मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है निकम्मा। तो यार मैंने सोचा ये इतनी अच्छी मूवी बॉलीवुड बना कैसे सकता है। और यार मुझे एक बात उड़ते उड़ते पता चली कि ये तो एक साउथ मूवी की डब है जिसका नाम है MCA। फिर मैंने MCA देखी तो भाई मुझे लगा कि ये तो इन लोगों ने MCA की ही इज्जत ख़राब कर दी, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्म को इन्होंने इतना बुरा बना दिया। तो यार इस मूवी को देखते देखते मुझे आइडिया आया, क्यों ना हम दोनों मूवी का एक वर्सेस करवाते हैं। और यहाँ पर भाई तुम देखोगे कि MCA मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है निकम्मा से। तो यार इस फिल्म को देखने के बाद मैंने टोटल 5 पॉइंट रखे हैं और ये 5ों पॉइंट जाते हैं MCA को। यार गाइस मैंने शुरुआत में ही MCA को जिता दिया है, क्योंकि भाई लिटरली निकम्मा में कुछ देखने लायक नहीं है जिससे आप इन्जॉय फील कर पाओ। तो यार जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो है कल्चर। भाई MCA मूवी में जो डायरेक्टर है उनने ओरिजिनल इंडियन कल्चर को दर्शाया है, और जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बात करें हम हमारे निकम्मे भाई साहब की, तो इन्होंने सिवाय बॉडी के कुछ नहीं दिखाया, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने भाई लिटरली कुछ भी नहीं बताया है। तो यार अब जो आने वाले पॉइंट हैं वो सारे MCA की तरफ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे से मूवी बनाई है कि इस मूवी को आपको एक बार कम से कम देखना ही चाहिए। क्योंकि यार इसमें प्यार भी हुआ है तो इतने सभ्य तरीके से हुआ है जो कि आपको अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये फ्रेंडली मूवी है, फैमिली फ्रेंडली। तो यार प्लीज़ वॉच MCA मूवी। थैंक यू यार गाइज, आज के लिए बस इतना ही। यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें हेल्प की बहुत ज़रूरत है।